To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. Welcome to my YouTube channel, Versatile Ashutosh. आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी की बात करने जा रहे हैं। इस इंट्राडे स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, ओपन इक्वल्स टू लो फाइंड करना है, साथ में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओपन इक्वल्स टू लो का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी एक दो वीडियो में बना चुका हूँ और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर बना चुका हूँ। हम दोनों के ना कॉम्बिनेशन करेंगे और साथ में ऐसे स्टॉक का पता करेंगे जो वॉल्यूम जो ओपन इक्वल्स टू लो को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वीक स्टॉक को पता करेंगे। आपने देखा होगा, ये आपने ऑब्जर्व भी ये किया होगा कि जब भी ओपन इक्वल्स टू लो हम जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 के स्टॉक है, 10 स्टॉक मान लीजिए हमें मिले ऐसे जो कि ओपन इक्वल्स टू लो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसमें से आपने देखा होगा कि एक दो घंटे के बाद आपने देखा होगा कि मुश्किल से 2-3 स्टॉक बचते हैं जो कि मेंटेन करते हैं अपने लो को, अदरवाइज सबके लो ब्रेक हो चुके होते हैं, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ब्रेक हो चुका। तो हमें उन्हीं स्टॉक के बारे में हमारी फेवरेबल कंडीशन को हमें बढ़ाना है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को हमें बढ़ाना है, हमें ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है जो कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, आपको ये करना है कि nseindia.com को ओपन करना है 9:30 पर। जब आप nseindia को ओपन कर लेंगे, उसके बाद लाइव मार्केट में जाना है। लाइव मार्केट में जाने के बाद में इक्विटी स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इक्विटी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद या तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको आपको जो है यहाँ फॉर्मूला लगाकर फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक को, ओपन इक्वल्स टू लो ओपन इक्वल्स टू हाई को फिल्टर कर सकते हैं। बट अगर नहीं भी करना चाहें आप तो सीधा सीधा यहाँ से दिखता है, ओपन यहाँ देखिए, साथ में सामने लो देखिए, ओपन देखिए, लो देखिए, जो स्टॉक यहाँ पे आपको मिल रहा है ये तो एक्चुअली मैंने जो है मार्केट क्लोज होने के बाद ही ओपन किया है। बट आपको ओपन कब करना है, 9:30 पर आपको चेक करना है कौन से स्टॉक जो है वो ओपन इक्वल्स टू लो को सेटिस्फाई करना है। जब आपको ये मिल जाते हैं उसके बाद में जैसे कि मैंने अपना ये अपस्टॉक का टर्मिनल ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, हमें करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 22nd के दिन हम बात करते हैं, 22nd के दिन अगर आप बात करें यहाँ पे देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे जो कि 22nd का डेटा है, तो यहाँ पे एक भी स्टॉक आपको ओपन इक्वल्स टू लो वाला नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ओपन हुए भी थे ना वो ब्रेक हो चुके हैं, उनके लो ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ अभी एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे उनको नोटिस किया हुआ था, तो बता रहा हूँ आपको। जो मान लीजिए भारतीय एयरटेल एक स्टॉक है जो कि ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ था। अब हमें क्या करना है कि विवेक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेने के बाद हमें क्या करना है, 9:15 से लेकर के 10:15, 9:15 से लेकर के 10:15, 9:15 से 10:15 के बीच में हमें देखना है कि स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जाए, किसमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लाइन के ऊपर जाए, और उसके बाद उसमें एक ऐसी कैंडल बने जो कि वीवेप के ऊपर ओपन हो और उसको क्लोजिंग किधर हो, वीवेप के नीचे क्लोजिंग हो एक घंटे के अंदर। तो अगर ऐसा होता है, जब आप यहाँ देखिए ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ है, देख लीजिए आप स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है 336.05 इसका ओपनिंग प्राइस था और लो भी था इसका 336.05। उसके बाद जब हमें कैंडल मिली कितनी, 9:45 वाली जो हमारी कैंडल है वो विवेक के नीचे क्लोज हुई, हमें इस कैंडल के नीचे की ओर शॉर्ट करना है और इसका स्टॉप लॉस रखना है इसका हाई। उसका आप देखिए आपको शानदार आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगी, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये हमारा फेवरेबल स्टॉक है, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पा रहा। अगर ये 10:15 के बाद भी ऊपर की ओर मेंटेन रहता है तो इसका मतलब है कि इसमें बाइंग है और ये दिन भर मेंटेन रह सकता है। ठीक है, दिन भर मेंटेन रह सकता है। बट अगर ये 10-1 घंटे के अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसकी बाइंग की पोजीशन बनाए रखने वाले, इतने बुल्स इतने हावी नहीं है यहाँ पर, बुल्स जो है इतने हावी नहीं है कि जो उसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब कि उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं भारत फिनांस, हम बात करते हैं भारत फिनांस की, तो भारत फिनांस को देखिए आप, भारत फिनांस को आप देखेंगे तो देखिए ये वाला स्टॉक भी जो है 9:15, देखिए 9:15 का टाइम देखिए 22nd of March, देखिए ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ था। बट उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है हमारी कंडीशन के अनुसार जो मैंने आपको क्या बोला, 9:15 से 10:15 के बीच में आना चाहिए, उसके पहले ही नीचे आ जाना चाहिए, बट ये उसके बाद में आया है। बट बाद में आया फिर भी देखिए आप, जैसे ये क्यों मेंटेन नहीं कर पाया ऊपर, मेंटेन नहीं कर पाए वीवो आपके ऊपर मेंटेन नहीं कर पाए, जब नीचे आया तो उसने अपना जो है वो लो को शानदार ब्रेक किया और काफी हैवी प्रॉफिट आपको जो है यहाँ पे दिया है। और हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर सन फार्मा,
सन फार्मा को देखिए आप, ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ था, ओपन को स्लो ओपन हुआ था। मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी स्टॉक होते हैं वो आपको एक से दो घंटे के अंदर जो है वो अपने लो को ब्रेक कर ही देते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अगर आप अभी कंडीशन में भी अगर आप चेक करेंगे 20 सेकंड के अंदर कौन से स्टॉक है तो आपको मिलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पहले ब्रेक हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 9:15 पर आप देखिए 20 सेकंड ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ था, बट हुआ क्या उसका थर्ड कैंडल, जैसा कि हमारे कंडीशन के अनुसार थर्ड कैंडल ही इसका क्या हुआ, ओपन तो हुआ वीवेव के ऊपर बट क्लोज हुआ वीवेव के नीचे, और नीचे क्लोज होते बराबर हम क्या करेंगे, हमारे लिए पोजीशन बन गई इसके कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे, लो के नीचे इसको शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस रखा। क्लियरली आपको एक हैवी प्रॉफिट यहाँ, मतलब आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, आपको जो है रेशियो भी काफी ज्यादा होगा प्रॉफिट का और लॉस का रेशियो आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बजाज, और भी स्टॉक थे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको, लेकिन कंडीशन जो है बजाज फिंसर की अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए यहाँ भी ओपन इक्वल्स टू लो था बट ये ऊपर गया ही नहीं, ये वीवेव के ऊपर गया ही नहीं बेचारा, ये गया ही नहीं तो हम इसको इसको ध्यान नहीं देंगे, वो ऊपर जाना चाहिए, एक बार ऊपर जाने के बाद में नीचे आएगा तो बहुत जोर से वो गिरने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे कि हम उसको इसके पहले के अगर स्टॉक देखें, इसके पहले के स्टॉक देखें, जैसे कि हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी जो है 20 को जो है, अब डॉक्टर रेड्डी की बात करें, देखिए डॉक्टर रेड्डी का बात करें तो 20th of March को जो है ओपन को स्लो ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है देखिए मैंने क्या बोला था 10:15 के बाद भी इसने जो है 9:15 से 10:15 मतलब 10:15 के बाद भी इसने अपने आप को जो वीवेव के ऊपर मेंटेन किया, तो हम इसको करेंगे नहीं, अब इसके ऊपर ध्यान ही देंगे, क्योंकि अब ये हमें लगता है कि ये इसने एक घंटे तक अपने आप को मेंटेन किया है वीवेव के ऊपर, मतलब ये अपने ऊपर रह सकता है, मेंटेन रह सकता था पूरे, देखिए पूरे दिन भर इसने आपको अपने आप को वीवेव के ऊपर मेंटेन किया। उसके बाद अगर लास्ट में आता भी है तो हमें फिर ध्यान नहीं देना उसको, हमें तो शुरुआत में ही काम करना है, शुरुआत में जो है एक घंटे के अंदर जिसने जो स्टॉक वीक हो गया उसके ऊपर ध्यान देना। तो देखिए पूरे दिन भर इसने लो को ब्रेक नहीं किया डॉक्टर रेड्डी ने, और उसके साथ में अगर और भी थे स्टॉक है इंफ्राटेल, अगर हम बात करें इंफ्राटेल की तो इंफ्राटेल को देखिए आप, इंफ्राटेल को अगर हम देखेंगे तो देखिए इंफ्राटेल को अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ था ये 20th of March को, बट उसके बाद क्या हुआ अगली कैंडल जो हमारी थी 9:30 वाली कैंडल जो 9:45 पर क्लोज होती है, वो कैंडल 9:45 पर क्लोज क्या हुई, ओपन तो हुई वीवेव के ऊपर बट क्लोज हुई वीवेव के नीचे, नीचे क्लोज हुई तो हमें तो हम चाहते ही हैं कि 9:15 से 10:15 के बीच में हमें कैंडल ऐसी मिले जो ऊपर जाने के बाद में नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो उसके बाद में याद जैसे शॉर्ट किया देखो एक हेवी प्रॉफिट मिलेगा आपको, देख रहा होगा आप, देखा आपने उसका इस तरीके से आप मतलब काफी कुछ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। पर विप्रो भी था यहाँ पे, अगर आप बात करें विप्रो की बात करें तो विप्रो भी जो है 20th को था, अब विप्रो को देखिए विप्रो में भी वही कंडीशन हुआ, विप्रो में क्या था 20th of March को अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो ने भी जो है हमारी कंडीशन के अनुसार 9:15 से 10:15 के बीच में नीचे नहीं आया है, अब इसने अपने आप को मेंटेन किया, मेंटेन किया मतलब एक से डेढ़ घंटे इसने आपको अपने आप को मेंटेन किया वीवेप के ऊपर, तो उसके बाद हम इसको छेड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि अब ये ऊपर मेंटेन कर सकता है, मतलब इसका जो है लो को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम है, और अगर बाद में जाके ब्रेक भी करता है वीवेप के नीचे भी आता है तो फिर हमें ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर, हम तो बस एक घंटे के अंदर जिसका बाइंग पोटेंशियल कमजोर हो रहा है, वहाँ पे जो बाइंग पोटेंशियल कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है स्टॉक और नीचे आ रहा है, तो फिर हम उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा वहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे इसके पहले भी दिखाता हूं मैं आपको, अगर इसके पहले काफी स्टॉक आपको मिल जाएंगे, इसे काफी सारे स्टॉक मिल जाएंगे। अगर हम सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा यहां तो था ही से हमारा 22nd को, उसके पहले भी है 19th को भी ओपन इक्वल्स टू लो था, तो ओपन इक्वल्स टू देखिए 19th को ही ओपन इक्वल्स टू लो ओपन हुआ, ओपन हुआ उसके बाद में जो है क्या हुआ, उसके बाद ये हमारी कंडीशन के अनुसार जो क्या हुआ सेकेंड 9:30 पर ये ओपन जो है नीचे की ओर क्लोज हो गई, वीवेप के नीचे की ओर क्लोज हो गई, हम ने इसको जो है नीचे शॉर्ट किया, शॉर्ट स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई था, हाई ने हाई को उसने ब्रेक नहीं किया और एक अच्छा खासा हमें यहाँ से नीचे तक आके प्रॉफिट दिया है इसने, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पा रहा था ऊपर, मेंटेन नहीं कर पा रहा था, बट बेटर क्या होगा हमें इससे स्टॉक चूज करना है जो कि पूरी कैंडल मतलब 9:15 वाली कैंडल तो ठीक है, उसका 9 वाली कैंडल भी ऊपर चली जाए, एक कैंडल ऊपर चले उसके बाद दूसरी तीसरी कैंडल हमारी नीचे आती है ना तो बहुत जोर से अच्छा खासा उसमें मतलब प्रेशर आता है नीचे की ओर। तो आप भी इस तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है आपने देखा होगा ओपन इक्वल्स टू लो की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप जितने भी स्टॉक आपको मिलते हैं इनिशियली में, आप जितने स्टॉक मिलते हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, वही इसमें हमारा फोकस है कि मेंटेन नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं एक दो घंटे में ब्रेक हो ही जाता है उनका लो, तो हम यही चाहते हैं कि वो लो ब्रेक हो, हम चाहते हैं कि वो ऐसे स्टॉक हमें मिले जिनमें वीकनेस है जो अपना लो ब्रेक करें, तो वैसे स्टॉक की यहाँ पे जो है फाइंड करेंगे और उनको हमारा जो है स्ट्रेटजी में प्रॉफिट अर्न करेंगे।
तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।